नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ दुष्या और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जहाँ स्वराज एक्सप्रेस द्वारा आयोजित वाद विवाद में छत्तीसगढ़ियों से छल के बाद पद्मश्री अनुज शर्मा ने संस्कृति विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी और कमीशन खोरी का पर्दाफाश किया है। संस्कृति विभाग से परेशान छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध अभिनेता अनुज शर्मा ने कहा है कि जो प्रोग्राम के लिए अधिकारियों को कमीशन देता है उसे ही प्रोग्राम दिया जाता है। 2015 के बाद चक्रधर समारोह में उन्हें मौका नहीं दिया जाने का आरोप लगाते हुए अनुज शर्मा ने कहा है कि जहां भी उनका कार्यक्रम आयोजित हुआ उसका निर्धारित राशि से आधा पेमेंट ही किया गया है। संस्कृति विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़िया लोक कलाकारों की उपेक्षा की जा रही है और पद्मश्री अनुज शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्य राजपूत ने। ओला बाइक का ऑर्डर कैंसिल करने पर धौर्य जैन की पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि धौर्य जैन ने रायपुर से राजनगांव जाने के लिए ओला बाइक बुक की थी और मगर बाइक चलाने के पास हेलमेट नहीं होने से चालक के पास हेलमेट नहीं होने की वजह से धौर्य ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, जिससे बौखलाए ओला बाइक चालक ने धौर्य जैन के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसे सिर और नाक में चोट आई है। पीड़ित धौर्य जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है तो वही जांच अधिकारी श्रीराम खुटे का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर मुचलके पर छोड़ दिया गया है और आगे की जांच में जुट गई है। मैं ये पर्सनली ये चाहता हूँ कि उस आदमी को अच्छी सजा हो ताकि वो और किसी के साथ ऐसा कुछ ना कर पाए और ओला वाले इस चीज को ध्यान से टैकल करें। यही है कि ओला वाले को जो भी पर्सन वो रखते हैं वो कम से कम इतना तो हो कि वो दूसरों को हार्म ना करे, किसी को परेशान मत करे। मतलब हर चीज आजकल हर जगह देखो तो छोटा छोटा चीज में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इस चीजों को ध्यान में रखें। बालोद जिले के रोनी थाना इलाके में एक महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसे बचाने आया पति भी आग में बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतक महिला का नाम सेवती बाई तारम है, जो डोंडी इलाके के पिसदा पारा की रहने वाली थी। महिला के दो छोटे छोटे बच्चे हैं। महिला का पति भी 60% जल चुका है, जबकि महिला पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। आग लगाने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के उदल कछार रेलवे स्टेशन के पास हुई सफाई कर्मी की हत्या के मामले को महज 24 घंटे के अंदर ही सुलझा कर कोरिया पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 26 वर्षीय सोनू पनिका नामक युवती की खून से लथपथ लाश रेलवे स्टेशन के पास मिली। मृतक की पत्नी मोनिका पनिका ने अपने पति के गुमशुदगी का शिकायत मनेन्द्रगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में मृतक की पत्नी का व्यवहार संदिग्ध पाए जाने और कड़ाई से पूछताछ की गई तो मृतक की पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना 8-9 बनानी रहती है। सोनू पनिका अपने घर के बाहर सो रहा था। व्यक्ति ने उसके सिर पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। मामले की जांच थाना महेंद्र से कर की जा रही। जांजगीर चांपा के बालक रौंदा में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस खुद उलझन में फंस गई है। दरअसल कुछ दिन पहले नवापारा में एक ज्वेलर्स ने चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया, गहने जेवर बरामद किए, लेकिन गिरफ्तार शख्स ने पुलिस द्वारा जब्ती माल को अपना बताते हुए नोटरी का लिखा हलफनामा पेश किया, जिसके बाद पुलिस असमंजस में है। चोरी करने का गया है तो चोरी करके कामयाबी भी हो गई से माला और फूली रशी नाटे और लटकी रही से अपाया रही से और काम करे गए हैं तो मालूम रही से तो माला घर में रखा है और माला ला घोबरा के ज्वेलर से यहाँ बेचा है। आरती बलिराम निराला साकी नवापारा, ये दिनांक 6/5/2019 को थाना मालखरौदा आकर के लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया। ये दिनांक 24/4 और 2/5/19 के मध्य
इसके घर में दरवाजा में लगे ताला को तोड़कर किसी ने कुल जुमला 47,600 रुपए चोरी करके ले गए। धर्मजयगढ़ में हुए सड़क हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें से एक मजदूर का सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं एक मजदूर की स्थिति गंभीर होने पर उसे रायगढ़ के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हादसा धर्मजयगढ़ कोदवारी पारा के पास हुआ है, जहां रफ्तार वाहन ने बाइक सवार मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू की। पूंजीपथरा थाना अंतर्गत सरायपाली डीवरी रोड पर बर्दे पुल के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। पूंजीपथरा पुलिस के मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक युवक मुकुम राम किसान ग्राम सरायपाली थाना पूंजीपथरा निवासी बताया जा रहा है। मृतक 11 मई की शाम अपने रिश्तेदार के घर विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राम डार आमा गया हुआ था। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। मोहन नगर पुलिस ने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में शंकर नगर के बीजेपी के पूर्व पार्षद नीलेश मड़ामे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। नीलेश मड़ामे पर पटवारी चयन परीक्षा में नौकरी लगवाने के नाम पर 2,00,000 रुपए दिए जाने की शिकायत की संभावना जताई गई। आपको बता दें कि 2017 में उनके पार्षदों ने मंत्रालय में अपनी पहुंच बताकर पटवारी परीक्षा में नौकरी लगाने के नाम पर 2,00,000 रुपए नगद लिए। वहीं महिला ने अपने जेवर बेचकर 1,75,000 रुपए नगद दिए और बचे हुए 25,000 रुपए आरोपी पार्षद को प्राथमिक के पति के हफ्ते भर बाद दिए। वही परीक्षा समाप्ति के बाद ना नौकरी मिली ना पैसे वापस मिले। थक हार कर पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, जिस पर संज्ञान लेते हुए मोहन नगर पुलिस ने जांच की और पार्षद को दोषी पाते हुए उस पर 420 की धारा के तहत धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया और जिसके बाद पार्षद को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो जेल जाने के डर से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उन्हें जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती करा दिया गया। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र में नियुक्ति दिलाने हेतु 2,00,000 रुपए मेरे से ले लिए और अब 2 साल हो गया, 2 साल से ज्यादा हो गया। अप्रैल में दी थी मैं 17 में, तब 2 साल हो गया। बोलते हैं मैं जिसको दिया था वो खत्म हो गया है, अब मैं कहाँ से दूँ। वर्तमान आरोपी को अभी स्वास्थ्य खराब है तो इलाज कर रहा है, उन्हें न्यायालय में कल प्रस्तुत किया गया था। स्वास्थ्य खराब होने से अभी जिला हॉस्पिटल शासकीय अस्पताल में भर्ती है। चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक बाद जल्द हाजिर होंगे। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस आशीर्वाद के रूप में प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स एटी अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। क्यों हरिया, तू तो बुढ़ापे में और खुश रहने लगा है। अब मेरे बुढ़ापे की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार ने उठाई है। हाँ। देश में पहली बार किसानों को पेंशन देकर सबसे सस्ती बिजली 44 पैसे प्रति यूनिट का वचन भी निभाया है कांग्रेस सरकार ने। भाई मान गए, वचन की पक्की है कांग्रेस सरकार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना कंधा कमर चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी एक भरपूर जिंदगी। भाई इस बार कांग्रेस हम गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देगी। पर ये भाजपा वाले परेशान करने में लगे हैं, पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा। जब ठग मास्टर ने अपने दोस्तों का हजारों करोड़ों का कर्जा माफ किया तब ये पूछने वाले कहाँ थे। अब कोई गरीब को दे रहा है तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। इन लोगों के भरोसे नहीं रहेंगे। अब हम सब गरीब मिलके कांग्रेस को जिताएंगे और 72,000 रुपए सालाना पाएंगे। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास।
एक तरीका का रिकॉर्ड ही समझिए कि एक ओवर में इतनी नो बॉल और इतनी वाइड बॉल हो चुकी हैं। बारहवीं गेंद अब होने को तैयार है, आपस में लोग हंस रहे हैं, एम्पायर भी बुरी तरह परेशान हो चुके हैं बार बार उनको समझा के, और फिर तैयार गेंदबाज तैयार, बस एक उम्मीद बांधे हैं कि ये गेंद तो खेलने लायक होगी, लेकिन ये बॉल फिर कहीं और चली गई। नौसिखियों की ये टीम जाएगी हार फिर एक बार, मोदी सरकार। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। व्यास मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रूपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। हम किसानों के साथ धोखा करने वालों, कुछ तो शर्म करो। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, एटी अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। एक बार स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, नोटबंदी की बात कर रहे हैं। नोटबंदी के 2.5 साल बाद एक बार फिर से चलने से बाहर हो चुके नोट सुर्खियों में हैं। नोटबंदी के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किए गए पुराने 1,000 और 500 के नोट अदालती आदेश के बाद पुलिस द्वारा वही पुराने नोट संबंधित व्यापारियों को वापस किए जा रहे हैं, जबकि आज के दिन पुराने नोटों की वैधता रद्दी के अलावा कुछ भी नहीं है। पुराने नोटों को समय रहते बदले न जाने का आरोप पुलिस पर लगा है और जब्ती किए गए पुराने नोटों के असली हकदार अब उन पुराने नोटों को वापस लेने से इनकार कर रहे हैं और एक बार फिर से अदालत की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। वो दिए जाने लगा तो जिसको लेने से मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि वो नोट चलन में है नहीं, मेरे लिए वो रद्दी है, मैं लेके क्या करूंगा। संपत्ति जब्त रहती है उसके संबंध में जो माननीय न्यायालय का जो निर्देश रहता है उसी के निर्देश के अनुसार जो है इसका निराकरण किया जाता है। कोरकोमा बताती है कि जंगल में सड़क किनारे पलटी एक स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाहन में बड़े पैमाने पर गांजा भरा हुआ था। माना जा रहा है कि सड़क हादसे के बाद गांजा तस्करों ने सबूत मिटाने की गरज से ही वाहन में आग लगा दी। ऐसा माना जा रहा है कि उड़ीसा के रास्ते से गांजे की खेप को कोरबा पहुंचाया जाना था और इस मामले में संदेह होने का कारण ये भी है कि स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे और पीछे के नंबर प्लेट गायब थे। रिटायर्ड कर्मचारी से 50,000 की लूट को अंजाम देकर फरार हुए 3 आरोपियों को पामगढ़ पुलिस ने लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में 9 मई को स्टेट बैंक से पैसा निकालकर घर जाने के दौरान दिन दहाड़े 50,000 की लूट हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने लुटेरों की पता साझी शुरू की तो आरोपियों की पहचान रायगढ़ जिले के कापू के नट गिरोह के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर गिरोह के सरगना प्रमोद नट, चिंतामणि नट और रोहित सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी से खुलासा किया गया है कि उनका गिरोह जांजगीर जिले के अलावा रायगढ़ जिले और कोरबा जिले में भी लूट की 6 वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने लुटेरों से लूट के 50,000 रूपए, 21,000 रूपए नगद और लूट में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया। बैंक के सामने, स्टेट बैंक के सामने एक बैग जिसमें 50,000 रुपए नकद और अन्य दस्तावेज, पासबुक और एटीएम और अन्य आईडी कार्ड जिसमें थे, उसको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट कर फरार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर बैंक के सीसीटीवी फुटेज देख के उसका अवलोकन करने के बाद यह तत्काल आरोपी की पहचान एक नट गिरोह के सदस्य के रूप में की गई।
कोरबा किरामपुर बस्ती में रहने वाले स्कूली छात्र अर्जुन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौत से पहले सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए उसने अपने परिजनों सहित दोस्तों से भी माफी मांगी है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर उसने अर्जुन छोटू के नाम से कुछ संदेश टाइप किया है। अर्जुन कक्षा 10वीं का छात्र है और 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया था। पुलिस को आशंका है कि अर्जुन ने हताश, निराश और अवसाद में घिरकर आत्महत्या की। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। कौरगद्दा जिले में घर पर बारात आने से पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई, जिसके बाद घरातियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दुल्हन की छोटी बहन को ही मंडप में बैठा दिया और शादी कराने लगे। मगर इससे पहले ही नाबालिग का विवाह होता उससे पहले ही महिला बाल विकास की टीम घर पहुंची और बाल विवाह होने से रुकवा दिया। हालांकि मजे की बात यह भी है कि जो लड़की घर से अपने प्रेमी के साथ भागी थी वह नाबालिग थी और जिसे मंडप में दुल्हन के बदले में बैठाया गया था वह भी नाबालिग थी। यहां तक कि दूल्हा भी नाबालिग था। हालांकि महिला बाल विकास की टीम के कहने पर सभी लोग मान गए और बाल विवाह होने से रोका गया। ये क्या नियम तुम अभी कर रहे हैं? जहाँ से जैसे लड़कियाँ भाग जाते हैं, हाँ जहाँ से लड़कियाँ भाग जाते हैं, जहाँ से पर जाट हो जाते हैं, तो सब जाट में चलते का मर्जी दीदी पास हो। सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई बालिका का बाल विवाह कराया जा रहा है, इसके पश्चात हम ले आए जैसे जाँच में और बालिका बाल विवाह की जानकारी भी सही पाई गई थी, इसके पश्चात संबंधित करके रोका गया है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक बाद जल्द हाजिर होंगे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना कंधा कमर चाहे जैसा दर्द हो ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी एक भरपूर सिद्धि। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। व्याज मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। माननीय श्री ठग मास्टर को समर्पित हमाओ ये गीत। काले धन के 15 लाख हाथों में ना आई रात, झूठी हो गई तुम्हारी बात, घर का फिर रहे बेरोजगार, जुमलों से हाकी सरकार, बताओ तुमने बंटा धार। अरे लबरा हो बातें बनाओ ना, ठग मास्टर रेट बेच खाओ ना, ठग मास्टर रेट बेच खाओ ना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे, रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। मेरे टैक्स का पैसा विज्ञापन पर बहाने वालों, कुछ तो शर्म करो। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आशीर्वाद के रूप में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स, एटी अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। काश हमारी भी जमीन होती, हमारा भी घर होता। तू चिंता काहे करती है, कांग्रेस ने वचन दिया है बिना जमीन और बिना छत वाले ग्रामीणों को जमीन भी मिलेगी और घर भी। देगी क्या? कांग्रेस सरकार अपने वचन की पक्की सरकार है। फिर तो अपन कांग्रेस को ही वोट देंगे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना कंधा कमर चाहे जैसा दर्द हो ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी एक भरपूर सिद्धि। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
एक बार स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ फिल्म जगत से जुड़े कलाकार और निर्माता निर्देशकों के राजनांदगांव में कमल टॉकीज के सामने धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान उन्होंने टॉकीज संचालक पर अनुबंध तोड़ने का आरोप लगाया। टॉकीज संचालकों के द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ फिल्म कलाकारों निर्माता निर्देशकों ने नाराजगी जाहिर की। हाल ही में कमल टॉकीज में छत्तीसगढ़ी फिल्म महू कुवारी तहू कुवारा का प्रदर्शन किया जा रहा था। इस फिल्म को लगभग 2 सप्ताह चलने के बाद हटाकर बॉलीवुड फिल्म का प्रदर्शनी शुरू कर दी गई। निर्माता निर्देशकों ने मामले में न्यायालय में जाने और टॉकीज का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी। इस दौरान भाली बल भी मौके पर मौजूद रहे। मैं धमतरी में अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने वाले भू माफियाओं पर कलेक्टर ने अपना डंडा चला दिया है। दरअसल अवैध कॉलोनियों पर प्लॉटिंग करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था और कलेक्टर रजत बंसल ने एक टीम बनाकर जांच शुरू कर दिया। कलेक्टर रजत बंसल का कहना है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं भू माफियाओं में कलेक्टर की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इलीगल प्लॉटिंग को लेकर के नगर निगम एवं नगर निवेश के क्षेत्र में हमने नोटिस जारी किए थे। साथ में ही सभी जगह पर बोर्ड करके एक रजिस्ट्री में भी रोक लगाई थी। उस संबंध में एक समिति भी गठित की गई है जो आवश्यक कार्रवाई के लिए, जिन्होंने अभी हाल में ही दौरा भी किया है सभी साइट्स का। आचार संहिता खत्म होने के बाद इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाए। अभनपुर में सड़क निर्माण के चौड़ीकरण के लिए 10,80,00,000 की लागत से सड़क का चौड़ीकरण कराया जा रहा है, जिसमें मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। लोगों की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे सामने आ रहा है कि सड़क ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। तो स्वराज एक्सप्रेस द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद सड़कों पर उमड़ रही धूल से लोगों को राहत मिली है। ठेकेदार द्वारा सड़क पर फैली मिट्टी पर चूरी बिछाकर दबाई और उस पर पानी फेर दिया। दरअसल छिड़काव लगातार किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने स्वराज एक्सप्रेस को साधुवाद दिया। और आपको बता दें कि पी दास कंपनी के द्वारा नगर की मुख्य सड़कों पर खुदाई कर सीवेज लाइन डाली जा रही थी। खुदाई से निकली मिट्टी पर कंपनी के ठेकेदार द्वारा पानी का छिड़काव नहीं करने से राहगीर और दुकानदार काफी परेशान थे। धूल के गुब्बारे के बीच से गुजरने वाले वाहनों से हादसे का अंदेशा भी बना रहता था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए गत दिनों स्वराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से खबर दिखाकर प्रशासन में बैठे जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित करवाया। अब ठेकेदार द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि ऐसी कवरेज है जनता के हित में। मेरे ओर से पूरा स्वराज एक्सप्रेस को धन्यवाद। स्वराज एक्सप्रेस का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने ये खबर प्रमुखता से दिखाई। इसी कारण से ठेकेदार ने विगत कुछ घंटों से छिड़काव का पानी का छिड़काव और चूड़ी डाली गई, जिससे वार्ड के जो निवासी हैं उनको मुंगेली जिले में कलेक्टर डॉक्टर सवीश्वर नरेंद्र भूरे की अनोखी पहल देखी जा रही है। युवाओं को थल सेना में भर्ती होने के लिए 1 माह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कलेक्टर भी युवाओं को तरीके से सिखा रहे हैं। तो वहीं ट्रेनिंग में पहुंचे युवाओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कराई जा रही है। कोयलांचल आदिवासी बाहुल्य तहसील तमनार के कक्षा 10वीं में टॉप 10 में युगल किशोर 97.50% अंक प्राप्त कर प्रदेश में 5वां स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। युगल किशोर नायक ने इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और गुरुजनों को दिया है। आगे की पढ़ाई गणित विषय को लेकर सिविल सर्विस के क्षेत्र में कलेक्टर बनकर समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं। युगल किशोर ने बताया है कि स्कूल में गुरुजनों का मार्गदर्शन, कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास से सफलता मिली है। ललमुगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार, सरपंच ग्राम पंचायत रमीला सदार, आदर्श ग्राम भारतीय परिवार, अन्य शिक्षाविदों, गणमान्य नागरिकों द्वारा बधाई दी गई और शाला विकास समिति अध्यक्ष यशपाल बेहरा जी ने
छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके लगन और कठिन परिश्रम के लिए बधाई दी। मैं उसको लगातार मैंने पढ़ाई के लिए मैंने प्रेरित किया हूँ और उसको आगे बढ़ने के लिए मैंने कंपटीशन भावना उत्पन्न की उसके मन में कि जिस तरह से पढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा मैंने करके मैंने उसके जो दोस्त हैं उनसे मैंने आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित किया।